हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, जो लोग नहीं खाते हैं वो प्लीज मत देखिएगा। मैं आज मछली की रेसिपी लेके आई हूँ, तो जो लोग नहीं खाते हैं तो वो मत देखिए, जो खाते हैं वो देखिए, जो नहीं खाते उसके लिए सॉरी। और आज मैं फिश करी बनाऊंगी दोस्तों, बिहारी स्टाइल में। बिहार में जैसे सरसों वाली मछली बनती है ना, वैसे बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं, और सॉरी एक बार फिर से, जो लोग नहीं खाते वो लोग मत देखिए प्लीज। कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ मैं, इसमें डालूंगी सरसों का तेल, क्योंकि बिहारी सब्जी बने और सरसों का तेल ना हो ही नहीं सकता। वैसे भी मैं पर्सनली सरसों तेल ही यूज करती हूँ दोस्तों, आप लोग को पता ही है मैं सरसों तेल ही खाती हूँ, रिफाइंड ऑयल बहुत कम खाती हूँ। तो उसके लिए फिश ली हूँ मैं, हल्दी और नमक लगा के रखी हूँ। 3 पीस रोहू फिश है ये, इसको मैं अच्छे से हल्दी वगैरह लगा के, हल्दी नमक लगा के 1 घंटे पहले रखी थी अच्छे से साफ करके। तो इसको मैं पहले फ्राई कर लूँगी, 1 घंटा हो गया तो इसको रखे हुए अच्छा मैरिनेट हो गया ये। और मसाले के ले ली हूँ मैं 1/2 इंच अदरक छोटा छोटा काट ली हूँ, 6-7 लहसुन, और ये 4 हरी मिर्ची है, और एक छोटा प्याज है, और एक टमाटर है। इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे, पहले फिश को फ्राई करते हैं। इधर देखिए चावल भी मेरा बन के तैयार है, पहले मैं चावल चढ़ा चुकी थी, देखिए चावल बन गया मेरे। तो आज खाएंगे लंच में बिहारी स्टाइल में फिश करी और राइस, भात, भात बोलते हैं बिहारी लोग, भी भात बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी भात बोलते हैं, चावल कोई नहीं बोलता, और बंगाली में भी भात बोला जाता है, महाराष्ट्रियन में भी भात बोलते हैं, सब भात ही बोलते हैं। पर पता नहीं क्यों ये चावल चावल का ये चलन चल गया है, इसलिए सब चावल बोलते हैं। चावल मतलब कच्चा चावल हो गया, इसको भात बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए तेल को मैं एकदम धुआं धुआं गर्म कर ली हूँ, धुआं उठना चाहिए क्योंकि तब जाके मछली है ना कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। एकदम गरम हो गया ऑयल, फिर अब मैं डालूंगी सरसों तेल, इसको भी होने दूंगी वैसे जब तक मैं मसाले की तैयारी करती हूँ। टमाटर को काट लूंगी, पीछे का हिस्सा हटा दूंगी, थोड़ी सी सब्जी बना रही हूँ उससे थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ सब चीज। प्याज को तो मैं पहले ही काट के रखी थी, इसको डालूंगी, अदरक लहसुन को डालूंगी, और ये हरी मिर्ची को भी थोड़ा 2-3 टुकड़ा करके डालूंगी ताकि अच्छे से बारीक पेस्ट बन जाए। मसाले को बहुत अच्छे से बारीक पीसेंगे एकदम। देखिए मिर्ची पाउडर डालना पड़ेगा इसमें, ये 1 चम्मच सरसों है, थोड़ा और डालूंगी, 2 चम्मच सरसों। धनिया खड़ा आप डाल सकते हैं, पर मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ, अब पिसा के बदले खड़ा धनिया भी डाल सकते हैं। थोड़ा जीरा डालूंगी, बाकी हल्दी मिर्ची पाउडर मैं बाद में डालूंगी। मेरे मसाले के डिब्बे में मिर्ची डालना है दोस्तों, मैं उसको मिर्ची को डाल लेती हूँ जब तक फिश फ्राई हो। उसको पलटाऊंगी, तेल को हम अच्छे से गर्म करके लेते हैं ना तो ये कभी चिपकता नहीं है, और जहाँ तेल ठंडा रहेगा ना वो चिपकता है। देखिए कितना अच्छा एक तरफ का हो गया, इसको और अल्टी पल्टी करके मैं फ्राई करूंगी मछली को, थोड़ा अच्छा कड़ा फ्राई करूंगी मैं। ये देखिए कश्मीरी मिर्ची पाउडर है दोस्तों, मैं तीखा मिर्ची पाउडर बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, अधिकतर हरी मिर्ची ही खाते हैं, और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए और कलर के लिए मैं कश्मीरी मिर्ची पाउडर ही यूज करती हूँ।
इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। तीखा मिर्ची पाउडर बहुत कम, कल की खबर कुछ ऐसे इस्तेमाल कर ली तो कर ली, नहीं तो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे छाती में जलन होता है, तीखा नहीं खाती मैं ज़्यादा। हरी मिर्ची का तीखा चल जाता है, हरी मिर्ची तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसको मैं डाल दी हूँ, अब इसको इधर साइड कर दूंगी, ढक दूंगी, नहीं तो उसका फ्लेवर जो है उड़ जाएगा। ठीक है, मैं आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ आज, आप चाहे तो एक आलू लंबा लंबा काट के डाल सकते हैं। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा मैं गैस को कम कर देती हूँ, होने देती हूँ, और इसको मैं थोड़ा पानी डाल के पीस के लाती हूँ। देखिए दोस्तों, बारीक पिसा आ गया है बिल्कुल। चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा काली मिर्ची भी डाल सकते हैं। मेरे पास खड़ा काली मिर्ची मतलब मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास पाउडर है दोस्तों, तो थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर इसमें मिला दूंगी। आप चाहे तो पाउडर मिलाएं, या फिर दो चार काली मिर्ची आप इसमें डाल के पीस लीजिए, क्योंकि काली मिर्ची डालने से ना फिश में अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैं पलटा दूंगी। फिश एकदम फ्रेश है दोस्तों, एकदम अच्छा है, और अच्छे से फ्राई करूंगी तो काफी अच्छा लगेगा खाने में। काली मिर्ची पाउडर डालूंगी दोस्तों इसी में, बाद में नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, और ये क्या मसाले का सब फ्राई भी हो जाएगा। ये फिश होने ही वाला है, इसको निकाल लूंगी मैं। इस टाइम पर अगर आप आलू डालते हैं तो फिश को निकाल लीजिए और फिर आलू को फ्राई कर लीजिए। आलू को भी कम से कम 60-80% तक आप तल लीजिए सॉफ्ट होने तक। मछली को भी एकदम अच्छे से तलूंगी दोस्तों, क्योंकि अंदर से पूरी तरह से अच्छे से पक जाएगा। अल्टी पल्टी करके अच्छे से तल लूंगी मछली को। मछली को आप जितना अच्छे से फ्राई करते हैं ना, उतना ही मछली के अंदर जो है ना मसाला अच्छे से जाता है। अगर मछली कच्ची रह जाएगी, फ्राई नहीं होगी ठीक से, तो उसके अंदर मसाला नहीं जाता है। इसलिए मछली को आप अच्छे से फ्राई कीजिए, ताकि अंदर से स्पॉन्जी हो जाएगा ना, तो मसाला अच्छे से सोखता है। ग्रेवी का जो रहता है ना टेस्ट, वो मसाले में भी, उसमें मछली में भी आता है। हो गया दोस्तों, इसको निकाल लूंगी। मैं इसको इसी गड्ढे में निकालूंगी, क्योंकि मैं इसी में सब्जी को खाली कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, थोड़ा सा जीरा डालूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जीरा पीसने में है। और ये मसाला डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसको जार को धो के। सब्जी का टेस्ट, आप जितना मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। मसाला कच्चा रह जाता है तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसमें सारे चीज है, सिर्फ इसमें मेरे को हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर नमक मिलाना है। तेल में जितना डाली थी शुरू में, मछली तलने के बाद जितना बचा उसी में मेरा सब्जी भी हो गया। मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। अब डालूंगी मैं इसमें हल्दी पाउडर,
डालूंगी कश्मीरी मिर्ची पाउडर बस, और कुछ नहीं डलेगा इसमें, क्योंकि बाकी सब्जी इसमें है। और गरम मसाला हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये सरसों डला हुआ है, बिहारी स्टाइल में सरसों वाली मछली है। बिहारी लोग अधिकतर देखिए हर सब्जी में, हर उसमें ना गोलका, गोलकी बोलते हैं लोग, वो जरूर डालते हैं। गोलकी मतलब ये जो काली मिर्ची होती है, वो लोग हर सब्जी में डालते हैं। गोलकी, जीरा, ये लोग हर सब्जी में डालते हैं, क्योंकि मेरे बचपन में मेरी फ्रेंड लोग थे, उसमें से दो तीन बिहारियाँ थी, तो वो लोग मतलब सब्जी वगैरह हम स्कूल में शेयर करते थे, तो उनके हर सब्जी में मतलब ये गोलकी डरा हुआ होता था। बचपन में सोचती गोलकी होता क्या है, बाद में फिर धीरे धीरे समझ में आया कि गोलकी का मतलब काली मिर्ची होता है। ये छिटारे दोस्त थोड़ा ढक दूंगी। सब कुछ डल चुका है मेरा, नमक मिर्ची मसाला, अब मैं सबको ये हटा दूंगी। पंखा चल रहा है दोस्तों, तो थोड़ा आवाज आएगा पंखे का, क्योंकि मिर्ची है ना, हरी मिर्ची, तो इसलिए थोड़ा मिर्ची लग रहा है, इसलिए मैं पंखे को चलाई। देखिए मसाले का कलर, मैं इसमें बहुत कम डाली हूँ कश्मीरी मिर्ची पाउडर, अगर आप लोग अगर ज़्यादा डालेंगे तो उसमें कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। कश्मीरी मिर्ची का फ्लेवर जो है ना उसकी बहुत अच्छी लगती है, पर बिल्कुल तीखा नहीं होता है वो। बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है कश्मीरी मिर्ची। खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए तेल ऊपर आने लग गया है, लेकिन अभी भी मैं और इसको 5 से 6 मिनट और फ्राई करने वाली हूँ। और इसी मिक्सी का जार में मैं पानी भर लूंगी तरी के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, जरूर से आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी बन जाती है। अभी क्या है, मसाले को अच्छे से हिलाएंगे ताकि नीचे ना चिपके, नीचे चिपकेगा जल जाएगा ना तो बहुत एकदम बेकार टेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको नीचे नहीं चिपकने देंगे, अच्छे से हिलाते जाएंगे। खाना बनाना भी एक कला है दोस्तों, उसमें बहुत सब्र की जरूरत पड़ता है, हड़बड़ी में खाना नहीं बनती है दोस्तों, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके जो खाना हम बनाते हैं वो काफी अच्छा टेस्टी बनता है। देखिए कितना सारा मसाला था, फ्राई करते करते ये कम होते जा रहा है। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी नए नए रेसिपी देखें और ट्राई करें। और मेरे चैनल को जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए, पता चल जाए। दोस्तों मेरा एक और चैनल है माई लाइफ माई कुकिंग, उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो डाल रही हूँ मैं। मैं कुकिंग वीडियो तो अभी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, पर उसमें काफ़ी अच्छा वीडियो डाल रही हूँ मेरे रूफटॉप गार्डन का, फिर जहाँ मैं घूमने उमने जाती हूँ मार्केट वर्केट हर जगह का डाल रही हूँ। तो आप लोग उस चैनल को भी देखिए, जा सकते हैं, इसका लिंक जो चैनल का लिंक है इस वीडियो में, इस चैनल में डाल दूंगी मैं, तो आप लोग उसको भी लिंक को क्लिक कीजिए
और उस चैनल को भी देख सकते हैं। अगर आप लोग को वो चैनल अच्छा लगता है तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को देख के लाइक कर दीजिए। ये हो गया, पूरी तरह से सूख गया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट करूंगी, ऐसे लेके। नमक ठीक है, थोड़ा सा पानी और डालूंगी। एक उबाल आने दूंगी, देखिए एक उबाल आने दूंगी, उसके बाद मैं फिश को डालूंगी इसमें। देखिए दोस्तों उबलने लग गए, मैं इसमें डालूंगी फिश। साथ में डाल दूंगी मैं धनिया। पांच मिनट उबलने दूंगी, फिर बंद कर दूंगी। बन के तैयार है दोस्तों। गैस को करूंगी बंद और सब्जी को मैं इसे खाली कर लूंगी। मैं खाना लगाऊंगी। देखिए दोस्तों मेरा आज का लंच कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अच्छा लगता है आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो, अच्छा बुरा जो भी है आप लोग बताइए जरूर। तो ठीक है, मैं इसको एंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छे वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे दोनों चैनल के साथ दोस्तों। ओके बाय।